पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डिसकन्टीन्यूटी कितने टाइप की होती है तो आज हम ए वन बाई वन करके देखते हैं कि डिसकन्टीन्यूटी जो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल है उसमें भी कैसे क्लासीफिकेशन होते हैं राइट तो यहाँ पे आज हम तीन डिसकन्टीन्यूटी की बात करेंगे और अगले वीडियो में रेस्ट ऑफ मतलब जो बाकी जो दो बची हैं उसकी बात करेंगे टोटल डिसकंटिन्यूटी हमारी कितनी होती है पाँच राइट तो आज हम तीन की बात करते हैं और दो की हम नेक्स्ट बात करेंगे देखिए यहाँ पे फाइव uh, जो डिसकंटिन्यूटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो कुल मिला के जो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल दोनों टाइप की होती हैं वो मिला के आपको बता रहा हूँ राइट तो सबसे पहले हम देखते हैं होल और पॉइंट डिस्कंटीन्यूटी होल और पॉइंट डिस्कंटीन्यूटी एक रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूटी होती है मतलब हम उस कंडीशन में फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं ठीक है पहले उसको पढ़ लेते हैं और कैसे कंटिन्यूस बनता है फंक्शन देखते हैं होल डिंटिन्यूटी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी विच कैन बी रिपेयर्ड बाय फिलिंग अ सिंगल पॉइंट तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूस हो जाता है कोई सिर्फ एक पॉइंट ही होता है जिसमें पूरा फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो पॉइंट से हम क्या करते हैं उस पॉइंट को अगर हम जान ले कि वो पॉइंट क्या है क्योंकि एक पॉइंट को निकालना बहुत इजी होता है राइट right? एक पॉइंट को फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है अगर पॉइंट एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है तो जब हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि जब हम उसका अगर ग्राफ बनाएं तो वो एक ही पॉइंट पे जाके वो डिसकन्टीन्यूस हो रहा है तो ऐसी डिसकन्टीन्यूटी हमारी क्या कहलाती है होल और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी राइट अब जैसे ये ग्राफ भी आप देख रहे हैं ये यह यहाँ तक ये यह पूरा कंटिन्यूस है लेकिन इस पॉइंट पे जाके ये डिसकंटिन्यूस हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में ही देखा था ये ये हमने एग्जांपल देखा था एफ ऑफ एक्स क्या दिया था 2 और 2 दिया है जब आपको एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एक्स लेस देन जीरो है तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉरी राइट हैंड साइड से जब ये अप्रोच कर रहा है जब ये राइट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है तो ये किसको अप्रोच कर रही है टू को लेकिन ये टू के इक्वल नहीं है राइट right? तो और यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो ये भी किसको अप्रोच कर रही है टू को लेकिन ये टू के इक्वल नहीं है तो ये जो रेड सर्कल मैंने ये लगाया है इसका मतलब ये जब आप ये फंक्शन बनाएंगे तो इसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा और इसी पॉइंट के कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे आप, आप देखिए हमें इस पॉइंट पे जाके हमें पेंट लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इस ग्राफ को कंप्लीट करना है तो ऐसी तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहलाती है पॉइंट या इसको बोलते हैं होल होल्डिन्यूटी तो ये डिस्कटिन्यूटी देखिए कैसे हट सकती है हम बस एक इसमें सिंपली एक और इंटरवल ऐड कर दें क्या टू वेन एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने क्या किया जब हमने टू लिखा वेन एक्स इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ इस फंक्शन में ये वाला पॉइंट भी शामिल हो जाता है तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कंप्लीटली हमें विदाउट लिफ्टिंग आवर पॉइंटिंग या आप कह सकते हो ड्राइंग डिवाइस हम क्या कर सकते हैं इस फिगर को पूरा कंप्लीटली बना सकते हैं राइट तो इस टाइप की हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या कहलाती है रिमूवेबल डिस्कटीन्यूटी जो कहलाती है होल और पॉइंट डिसकंटीन्यूटी भी नेक्स्ट हम देखते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी जंप डिसकंटिन्यूटी एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती है इसको पहले देख लेते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी इज अ टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इन विच लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अब देखिए अब होल डिसकंटिन्यूटी और जम डिस्कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है होल होल डिसकंटिन्यूटी में या पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट होती है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं आप ये देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी जो है वो किसको अप्रोच कर रही है टू को और लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसको अप्रोच कर रही है टू को तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है टू को तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हुई इक्वल दिस मीन्स वर्ड कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रही है लेकिन अगर हम इस फंक्शन को देखें देखिए क्या दिया है टू दिया है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और थ्री दिया है वेन x इज लेस देन जीरो तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा राइट तो यहाँ पे देखिए आपको f ऑफ x क्या दिया है टू जब x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो के लिए भी टू है और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी टू है मतलब यहां से वैल्यू ऑफ फंक्शन ओके वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमें यहीं से मिल जाएगा क्योंकि इक्वल दिया है इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा टू और जो हमारी जो राइट हैंड लिमिट होगी ओके वो भी किसके वो भी क्या हो जाएगी टू हो जाएगी तो ये मैंने फिगर देखिए बनाया है ये जो ग्राफ बना है ये इसके लिए है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा

ऐसा बनता है राइट ये यहाँ तक अप्रोच करेगा लेकिन ये पॉइंट थ्री उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो लिखा नहीं है अगर x लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा रहता तो ये थ्री को भी अप्रोच करता मतलब थ्री पे भी आता है ये पॉइंट ओके ये पॉइंट थ्री भी इंक्लूड होता लेकिन अभी ये फिलहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि लेस देन जीरो है मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट के लिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा अब हम यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो ऐसी है यहां से मिलेगी हमें तो राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है देखो टू को अप्रोच कर रही है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है थ्री को अप्रोच कर रही है वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो अप्रोच कर रही है किसको को टू को और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अप्रोच कर रही है किसको को थ्री को तो इसका मतलब ये हुआ देखिए कि यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है मेरी वो टू के इक्वल आई और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी किसके इक्वल आई थ्री के इक्वल तो यहीं से ये यह हमें समझ में आता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा इस point, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा क्या हो जाएगा डिसकन्टीन्यूस हो जाएगा लेकिन ये किस टाइप की डिसकन्टीन्यूटी है देखिए यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब पिछले जो हमने सम किया था पिछले जो हमने होल या पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दिखी थी उसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी है ना लेकिन यहाँ पे क्या है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये जो डिस्कंटीन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल होता है मतलब हम उसको यहाँ पे इस कंडीशन में रिमूव नहीं कर सकते हैं तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है जंप डिस्कंटिन्यूटी क्लियर इसके बाद में आते हैं हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इज अ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन विच बोथ आर बोथ वन साइडेड लिमिट्स बोथ वन साइडेड लिमिट्स आर इनफाइनाइट मतलब जो दोनों लिमिट्स हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इनफाइनाइट होती हैं ठीक है इसका मतलब आप ग्राफ कुछ देखेंगे तो इस टाइप से जाएगा या इस तरह से जाएगा आप इसका कॉमन एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं आप बना के देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाय एक्स स्क्वेयर अगर आप देखें या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री देखें इन सब के ग्राफ अगर आप बना के देखेंगे ना तो ये आपको कुछ इस टाइप का इनफाइनाइट डिसकन्टीन्यूटी कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा तो ये आप हालांकि ये जितनी भी ये तीनों जो आपकी हैं डिस्कटीन्यूटी इनफाइनाइट एंड पॉइंट और मिक्स डिसकंटीन्यूटी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी होल और जंप डिसकंटिन्यूटी है ओके okay. और उससे सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो होल और पॉइंट डिस्कंटीन्यूटी है क्योंकि ये रिमूवेबल डिस्कंटिन्यू डिस्कटिन्यूटी होती है ओके okay. तो इस वीडियो में हमने मेनली दो टाइप के या कहें तीन टाइप के कौन कौन से एक का हमने पढ़ा है क्या पॉइंट uh, डिस्कंटिन्यूटी एक पढ़ा जंप डिस्कंटिन्यूटी और एक पढ़ा है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी पर यह वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी और जो मेनली आपके सिलेबस में है वो क्या है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बाकी जितने भी आपकी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो जनरली हायर क्लास में स्टडी किए जाते हैं ओके okay, या रिसर्च वर्क्स जब होते हैं उसमें स्टडी किए जाते हैं तो हम अपना जो एक दायरा है मतलब जो हमारा जो ट्वेल्थ क्लास तक जो बेसिक जो हमारा जो हमको डिसकन्टीन्यूटी पढ़ना है या उसका टाइप पढ़ना है वो क्या है हमारी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी तो ये वीडियो में यहीं तक नेक्स्ट वीडियो से बात करते हैं हमारे आगे अगले कंटिन्यूटी के कंसेप्ट Thank you.